गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? और छुट्टियों के मजे लिए जा रहे होंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टियाँ तो होती रहेंगी और आगे भी होती रहेंगी। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो क्लास ट्वेल्थ में पहुँचने के लिए। क्लास ट्वेल्थ में आप लोग आ चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से आप थोड़ा और ज़्यादा सीरियस भी हो गए होंगे क्लास इलेवंथ से। क्लास इलेवंथ में भी आप लोगों ने मेहनत करी थी, पर मैं सोचता हूँ कि अब क्लास ट्वेल्थ में आप क्लास इलेवन से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज से ही अपनी क्लास, जैसे तैसे जो भी हो। अगर समझ में आ तो अच्छी बात है, नहीं तो जब स्कूल खुलेंगे तो हम इनको दोबारा पढ़ेंगे, आप चिंता ना करिए। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर और बनाऊँगा, और नहीं तो फिर मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं भेज ही रहा हूँ आपको लिंक, उसमें देखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर फाइव की। ठीक है, चैप्टर नंबर फाइव क्या है हमारा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे हैं उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं बार बार बोल रहा था, इलेवंथ में भी बोल रहा था, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल है उनका। ठीक है ना, और अगर इस साल मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि मतलब पास भी हो जाए और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो बहुत ही मतलब खुशी सबसे ज़्यादा मेरे को ही होगी, उससे मतलब उसके खुद से ज़्यादा मुझे होगी उसकी खुशी। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ही चैप्टर मैंने सबसे पहले क्यों लिया, इसका पहले रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि हमें क्लास इलेवन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। आपने ये चैप्टर पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसी चैप्टर से ये रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा हम उसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, इसमें हमें पता है कि वन मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं, टू मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं, फोर मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है वन टू और फोर, इन थ्री मार्क्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार के पेपर में जो आया हुआ है वो मैं देख रहा था, तो कम से कम सिक्स मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आया हुआ है सभी साइड में मिला के। तो ज़्यादा किसी साइड में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो ऑन एंड एवरेज जो है इसमें सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और ये कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस यूनिट है आपकी, उसका एक पार्ट है। और जो ये यूनिट है इसमें जो टोटल इस यूनिट के कैलकुलस के मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का इससे आता है। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी मेन हम पढ़ेंगे अभी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लास इलेवंथ में हमने पढ़ा था लिमिट के बारे में, हमने पढ़ा था। ठीक है ना, जानते होंगे आप लिमिट के बारे में, है नहीं? अगर नहीं जानते तो एक बार दोबारा इलेवंथ क्लास का सिलेबस में पढ़ें उसको। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिमिट सबसे पहले होता क्या है। आपने देखा होगा कि लिमिट में हम क्या लिखते थे, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखते थे, एफ एक्स लिखते थे, हम इस तरीके से लिखते थे ना वहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, है ना। फिर हम मैं बोलता था आपको कि क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ कि एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, करते थे हम इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी है, रिलेटेड कैसे है, लिमिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशन आपको इलेवंथ की पता है, मुझे दोबारा बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार के लिए आप समझ लेते हैं। इफ एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू एल, एफ एक्स की एक वैल्यू आएगी एल, एल क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा, है ना। तो इस एल को ही हम इस फंक्शन एफ एक्स की क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। आप इसमें क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंस टू वन रखते थे, आप क्या करते थे, देखिए वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन कर देते थे, है ना। फिर क्या आ जाता था, जीरो अपॉन जीरो आ जाता था, तब आप क्या कहते थे, ये कि इरेगुलर फंक्शन है ये, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, है ना। फिर इसको क्या करते थे, मैं बताता था आपको, क्या करते थे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फिर हम इसके क्या करते थे, फैक्टर करते थे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इट मीन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन नीचे एक्स माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाता था, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन। अभी हम यहाँ पे क्या करते थे, एक्स ये वन रखते थे, वन प्लस वन क्या आ जाता था, टू। तो ये हमारा क्या है, लिमिट की वैल्यू है, कब, एक्स टेंस टू वन, जब एक्स वन की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टू होगी। ठीक है, ये हमने क्लास इलेवन में पढ़ा है। अब हम
ट्वेल्थ में क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, अब थोड़ा सा आपको पता चल चुका होगा। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी बोलते किसको है। कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए एक प्रॉपर्टी तो यह है कि उसका वही फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे आपने देखा होगा लाइन के ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पैराबोला के भी ऐसे ही होते हैं, एलिप्स के भी कंटिन्यूस होते हैं। लगभग लगभग सभी फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। बट इसमें जो मेन प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी के लिए वो होती है कि किसी फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मतलब है, आपने देखा होगा नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड की तरफ के जो भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, जीरो की लेफ्ट हैंड की तरफ के नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जीरो के राइट हैंड साइड के नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो फंक्शन की लिमिट अगर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाए, फंक्शन की लिमिट राइट हैंड साइड की और ये दोनों इक्वल हो, x टेंड्स टू a f(x) के, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसा होगा और कैसे हमको इसको करना है, इसके लिए अगर आपके यहाँ बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है मेरे पास, इसको नोट करेंगे और इसको करके हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छुट्टियाँ बढ़िया से जा रही हैं मतलब है। चलिए ठीक है, कोरोना वायरस का किसी को तो फ़ायदा हुआ, हम लोग को भी हो रहा है फ़ायदा, पर हमारा फ़ायदा वो ना के बराबर है, सबसे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है फ़ायदा, है ना। दिन भर ऑनलाइन बैठे हुए देख रहा हूँ मैं, है ना, अपडेट में आ रहे हो नई नई चीज़ें। चलिए क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन सीटियाँ भी आ रही हैं, सीटी आएगी घर पे बनेगी बिल्डिंग हो, तो सीटी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताओ, पर घर पे बनाने का भी अपना ही मजा है, मैं देख रहा हूँ। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। कहाँ पॉइंट हमको दे रखा है, क्या है पॉइंट हमारा, एट द ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, क्या होता है प्रदीप, क्या होता है ओरिजिन का पॉइंट, पता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, फंक्शन मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स है कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और वन है जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप क्या निकालेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओरिजिन बोला है, ओरिजिन मीन जीरो, जीरो के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा एफ एक्स। अब आप मेरे को बताएंगे कि एक्स जीरो से कम होगा, क्या होगा, जीरो से कम, नेगेटिव जीरो, मतलब कहाँ जीरो की तरफ, ये रियल नंबर, ये हमारी नंबर लाइन है, तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो किस साइड से आ रही है, नेगेटिव साइड से आ रही है जीरो की तरफ। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू किसकी तरफ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन, फंक्शन में यहाँ वैल्यू देखते हैं एक्स इक्वल टू जीरो के लिए वन है, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है,
इसको एक नया टर्म हम लिख लेते हैं एच, क्या लिख लेते हैं एच, इसको बना लेते हैं एच टेंस टू जीरो, और इस एक्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा जीरो माइनस एच। सिमिलरली नीचे भी हमारा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच मॉडुलस अपॉन माइनस एच। मॉडुलस माइनस एच की वैल्यू क्या होगी हर्षिता? माइनस एच की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस में एच, एच अपॉन माइनस एच, नाउ इट बिकम्स माइनस वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड की लिमिट हमारी क्या आ गई? माइनस वन। ऐसे ही हम इसके राइट हैंड की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करना चाह रहे हो नोट कर लो पहले फटाफट। हो गया, हो गया होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, अब हम आते हैं राइट हैंड। ये याद रखना लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या आई थी? माइनस वन आई थी। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस का साइन आ जाएगा एफ। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, लिमिट एक नया टर्म एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच कौन सी वाली वैल्यू? यही वाली वैल्यू आएगी मॉडुलस है अपॉन एच। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यही कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस वन आई और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? वन आ रही है। क्या दोनों इक्वल आ रही हैं? क्या इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अभी बात समझे? ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम एक्स टेंस टू ए पर भी निकालते हैं जीरो पर, तो देखते हैं आप वन आ जाता है। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, थैंक यू।